हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए डिजाइनर पेटीकोट की कटिंग और इसकी सिलाई बताऊंगी। ये 6 कली का पेटीकोट है, बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो देखिए, जो मैं बना रही हूँ इसका मेजरमेंट है, कमर की गोलाई 34 इंच है और पेटीकोट की टोटल लंबाई है 37.5 इंच। ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसी मेजरमेंट पर हम कटिंग करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको किसी भी साइज का बनाना हो तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने 2 मीटर पेटीकोट के लिए कपड़ा लिया है, यानी कि जैसे ये मार्केट से ख़रीद कर आता है बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पे ये मैंने रखा है। तो इसमें से ऐसे देखिए 2 फोल्ड को ऐसे एक साइड में कर देंगे और यहाँ से हम बेल्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की जो टोटल चौड़ाई है तैयार रखना है 2 इंच, तो उसका डबल 4 इंच होगा। 1 इंच ऐसे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे, यानी कि देखिए ऐसे 5 इंच वाली पट्टी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। देख सकते हैं, ये बेल्ट पट्टी कटिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे कमर की जो गोलाई है वो है 34 इंच, तो 34 इंच का इसे हाफ करेंगे तो ये आएगा 17 इंच। तो बेल्ट पट्टी में अगर आप लूजिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे 2 इंच की लूजिंग भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए 2 इंच की ऐसे लूजिंग दूँगी। तो देख सकते हैं, बिल्कुल इस पर करिए मैं 19 इंच वाली बेल्ट पट्टी तैयार कर लूँगी। तो इसको मैं अभी अलग रख देती हूँ। और देखिए, अब इसमें से हम पेटीकोट की कटिंग करेंगे। तो पहले फिर से ऐसे कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे, यानी कि अच्छे से इसे बराबर करते हुए 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इस साइड में ये फोल्डेड साइड है और यहाँ पे ये ओपन साइड है। तो देखिए, ओपन साइड से हम डिजाइंस के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे। तो ऐसे 2.5 इंच वाली पट्टी मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी, यानी कि देखिए जैसे हम फ्रिल के लिए कपड़ा कटिंग करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर ऐसे कटिंग कर लेना है 2.5 इंच वाली पट्टी। तो देख सकते हैं, ये कटिंग हो गया। अगर इससे आप चाहें तो फ्रिल भी बना सकते हैं, यानी कि फ्रिल वाला पेटीकोट भी आप तैयार कर सकते हैं इस कपड़े से। अब देखिए, इस कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में ही रहने देंगे, हमें 6 कली का पेटीकोट बनाना है। तो और यहाँ पे देखिए, हम लंबाई चेक कर लेंगे। तो टोटल लंबाई 37.5 इंच है। तो इसमें से हमने देखिए 2 इंच के ऊपर की बेल्ट पट्टी तैयार करना है, तो 2 इंच कम कर देंगे तो ये 35.5 इंच आएगा। और नीचे से ये जो फ्रिल है, यानी कि जो डिजाइंस है, वो 1 इंच का बन के तैयार होगा। ये देख सकते हैं ऐसे, तो 1 इंच और कम करेंगे तो ये 34.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमें 34.5 इंच ऐसे कटिंग कर लेना है और प्लस 1/2 इंच दोनों तरफ सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख लेना है। और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो तो आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो मेरा देख सकते हैं, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, नीचे से लगभग 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा है। तो मैं इतना ऐसे ही रहने देती हूँ, कट नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना ये कली को बराबर करते समय इतना कपड़ा यूज हो जाएगा। अब देखिए, कपड़े को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का 1/8 भाग लेंगे। तो देखिए, ये जो हमने लूजिंग के साथ कमर जो आया था ये 38 इंच का तैयार हुआ है, तो 38 का 1/8 भाग हम यहाँ पर लेंगे। तो ये जो बेल्ट पट्टी है इसको ही ऐसे 8 फोल्ड करते हुए आप 38 का 1/8 भाग निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये 4 फोल्ड हो गया बेल्ट पट्टी, और फिर से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये 8 फोल्ड हो गया कपड़ा। तो इस प्रकार यहाँ पे हमें ये कमर का 1/8 भाग निकल जाएगा। तो देख सकते हैं, ये 5 इंच से लगभग 1 पॉइंट कम है, तो उतना ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और प्लस 1/2 इंच दोनों तरफ से सिलाई के लिए रख लेंगे। और यहाँ पर भी देखिए, हमें ये फोल्डेड साइड है तो यहाँ पर हमें सिलाई के लिए नहीं रखना है, तो इधर से बराबर रखेंगे और ऐसे 5 इंच और प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा। देख सकते हैं, दोनों तरफ निशान लगा दिया मैंने। अब देखिए, इंची टेप की मदद से इसको ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। और इसी निशान पे ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं, हमने कली की कटिंग कर लिया। अब देखिए, हम यहाँ पे कली को बराबर करेंगे, तो उसके लिए इसको ऐसे पलटते हुए एक के ऊपर एक रख लेंगे, यानी कि देखिए बिल्कुल ऐसे अच्छे से बराबर करते हुए रखेंगे। और उसके बाद इसको ऐसे बीचों बीच फोल्ड करेंगे, यानी कि बिल्कुल देखिए ऐसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद देखिए, ऐसे ऊपर से ही थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तो इसको ऐसे कट करके बराबर कर लेंगे। और ये नीचे से भी देखिए एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसको भी बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप लंबाई नाप के फिर से चेक कर सकते हैं, अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो तो आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये 6 कली हमने कटिंग कर लिया।
ये चार छोटा वाला कली है और दो बड़ा वाला कली है यहाँ पे, और ये फ्रिल के लिए कपड़ा है, और ये देखिए ये बेल्ट पट्टी है। तो बेल्ट पट्टी में जो 2 इंच कम पड़ रहा था यानी कि 19 इंच तैयार करने के लिए 2 इंच ही कपड़ा कम पड़ रहा था, तो इसको मैं इसमें से कटिंग करके यहाँ पे ज्वाइंट कर लूँगी। तो मैंने नारी के लिए इसमें से कपड़ा नहीं कटिंग किया है, देखिए मैं अलग से नारी तैयार कर लूँगी। तो इस प्रकार देखिए ज्वाइंट करने के बाद टोटल बेल्ट पट्टी 19 इंच का तैयार हो गया है। अब देखिए हम यहाँ पे कली को ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए ज्वाइंट करने से पहले अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आया होगा या फिर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब देखिए इसमें से हम कली ज्वाइंट करेंगे, तो 2 छोटी वाली कली लेंगे और 1 बड़ी वाली कली को हम एक साथ ज्वाइंट करेंगे। तो देख सकते हैं ये अलग अलग कर लिया है मैंने। अब देखिए जो बड़ा वाला कली है इसको ऐसे बीच से खोलते हुए सेंटर में रखेंगे, और ये जो 2 छोटी वाली कली है इसको ऐसे दोनों साइड में ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए जो तिरछा साइड है तिरछे को तिरछे के साथ ही ऐसे ज्वाइंट करना है, इसको इस प्रकार रखूँगी, और ये जो दूसरी कली है ऐसे दूसरे साइड में रखते हुए हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसमें भी ऐसे तिरछे को तिरछे के साथ ही ज्वाइंट करना है। अब देखिए इस कली को ऐसे एक के ऊपर एक पलटेंगे और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे, और उसी प्रकार देखिए यहाँ भी सिलाई करेंगे। देख सकते हैं ज्वाइंट करने के बाद ये तीनों कली एक साथ ही ज्वाइंट हो गया है। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार ये जो दूसरी 3 कली था उसको भी मैंने ज्वाइंट कर लिया है एक साथ। अब देखिए इन दोनों पार्ट को ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे, यानी कि सीधा जो साइड है उसको ऐसे अंदर की तरफ करते हुए रखेंगे, और बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रखते हुए देखिए यहाँ भी ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो इस प्रकार देखिए 6 कली आपस में ज्वाइंट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे बेल्ट पट्टी ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ओपन रहता है, तो यहाँ पे ये मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ पे ऐसे 1/2 इंच तक कट कर लूँगी। और ये जो मैंने कट किया है देखिए यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे। तो इस प्रकार पहले देखिए 2 पॉइंट फोल्ड करेंगे, और फिर से ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे सिलाई कर लेंगे, यानी कि जहाँ तक ये मैंने कट लगाया है देख सकते हैं वहीं तक ऐसे फोल्ड करना है। देखिए दोनों साइड में फोल्ड कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे हम बेल्ट पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे, तो इसको ऐसे देखिए उल्टे साइड में रखेंगे और यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने से पहले ऐसे आप नाप के देख सकते हैं, यानी कि देखिए अगर ये पेटीकोट का पार्ट बढ़ता है, यानी कि अगर ये पार्ट अगर बढ़ जाए ज्वाइंट करते समय, तो कहीं कहीं बीच में आप प्लेट भी लगा सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर देखिए ये बेल्ट पट्टी वाला पार्ट बढ़ जाता है, जैसे मेरा यहाँ पे देखिए लगभग 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी, देख सकते हैं ऐसे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसको ऐसे उल्टे साइड में ही रखते हुए देखिए यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट करेंगे। तो देख सकते हैं सिलाई कर लिया मैंने। अब देखिए इसको ऐसे सीधे साइड की तरफ से फोल्ड करेंगे, तो पहले बेल्ट पट्टी में से ऐसे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, और इसको एक फोल्ड और ऐसे करते हुए ये जो सिलाई मार्जिन है इसको ऐसे दबाते हुए देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर किनारे किनारे सिलाई करेंगे। देखिए इसके ऊपर ऐसे सिलाई करते समय किसी भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, सिर्फ ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर ऐसे रखते हुए किनारे किनारे सिलाई करेंगे। और सिलाई करने के बाद देखिए इस सिलाई से लगभग 1 फुट ऊपर एक और सिलाई करेंगे। तो देख सकते हैं ये बेल्ट पट्टी इसमें ज्वाइंट हो गया है। अब देखिए इसे ओपन साइड से भी यहाँ पे ऐसे सिलाई कर लेंगे, तो ऐसे ऊपर से बिल्कुल ऐसे बराबर पकड़ते हुए देखिए यहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए ऐसे पक्का कर लेंगे, और उसके बाद ऐसे नीचे तक सिलाई कर लेंगे।
तो इस प्रकार देख सकते हैं, ये दोनों साइड से ये मैंने सिलाई कर लिया है। अब देखिए इसको नीचे से फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये जो कपड़ा मैंने कटिंग किया है तो उसका पहले ये फ्रिल तैयार कर लूँगी। तो उसके लिए देखिए ऐसे स्क्वायर शेप में हम कपड़ा कटिंग करेंगे, यानी कि 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई की ये मैंने देखिए स्क्वायर पीसेज कटिंग किया है। इसको ऐसे देखिए ट्रायंगल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको इस प्रकार देखिए फ्रिल देते हुए यहाँ पे सिलाई करेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार ट्रायंगल फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऐसे बीच में फ्रिल देते हुए सबको तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐसे बराबर कटिंग कर देंगे ऊपर से। देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार ये मैंने सारी फ्रिल पट्टी को तैयार कर लिया है। अब देखिए इसको ऐसे सीधे साइड में रखते हुए सभी को ज्वाइंट कर लेंगे, और ज्वाइंट करते समय देखिए यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं छोड़ेंगे, यानी कि बिल्कुल ऐसे एक साथ सभी को रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार ये सारी फ्रिल पट्टी को मैंने इसमें ज्वाइंट कर लिया है। तो यहाँ पे 4-5 ये बच ही गया है मेरा, तो इसको अलग रख दूँगी। अब देखिए इसके ऊपर सिलाई करेंगे, तो ये जो सिलाई वाला कपड़ा है इसको देखिए ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे और बिल्कुल इस प्रकार ऐसे दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार ऐसे पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने के बाद ये देख सकते हैं ये पेटीकोट बन के तैयार हो गया है, और पहनने में नीचे से ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस प्रकार आप बनाइए और ट्राई कीजिए। देख सकते हैं ये पूरा पेटीकोट बन के तैयार हो गया है। तो देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।